बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ करेले मसाले वाले। आधा किलो मैंने करेले ले लिए धो के, नमक लगा के इन्हें मैंने रखा था, फिर मैंने अच्छी तरह धो के पानी निकाल लिया। आधा किलो प्याज लिए, एक पाव टमाटर लिए, 10-12 हरी मिर्चें लिए और मसाले डलेंगे। बस करेले पे रखा हुआ था, अब मैं करेले भी डालने लगी फ्राई के लिए। ये 5 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करना है मीडियम आंच पे। देखिए अभी तक पक रहे हैं लेकिन कलर नहीं इन्होंने चेंज किया, कलर चेंज होगा लाइट गोल्डन करना है इन्हें। ज़्यादा भी नहीं जलाने तो कम कच्चे भी नहीं रखने। तकरीबन बस इतने ब्राउन करने हैं, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हुए हैं, ज़्यादा जला नहीं देने। अब मैं निकाल लेने लगी इनको। उसी घी में ये प्याज मैं डालने लगी हूँ। इनका मसाला बनाती हूँ ना, अभी कुछ और प्याज ब्राउन करने हैं, अभी कम है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन करने हैं, इनका मसाला बनाना है ना। अभी थोड़ा सा टाइम और लगे, आधा मिनट। ये देखिए बस इतना का गोल्डन करना है। ये मैं आप दो बूंद पानी के डाल दिए हैं, ये देखें कि मैंने 5 से 8 मिनट इन्हें भून लिया, ऐसे मसल लिया मसाले को ना, टमाटर और प्याज को। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा, अभी भी कोई कोई साबुत है टमाटर बीज। अभी साथ ही मैं अब मसाले डाल देती हूँ ना और मसाला भून लेती हूँ। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक मैंने उसमें करेलों को भी लगाया था। बिल्कुल शॉर्ट मसाले इसमें डलते हैं, ज़्यादा नहीं डलते, कम मसालों में ये तैयार होता है और बहुत लजीज होता है। ये मेरे तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला से बहुत मज़े के बनेंगे और कड़वे भी नहीं बनेंगे। और साथ ही ये सब्ज मिर्चें मैंने भी इसे टक लगा लिया इन्हें। अब मसाला भूनना है 5-10 मिनट। तकरीबन ये तैयार हो गया मसाला, अब मैं करेले डालने लगी हूँ। देखिए कितना अच्छा दानेदार भुज गया है। बस 2-3 मिनट और भूनना है तो रेसिपी तैयार हो गई है मेरी। घी छोड़ दिया इन्होंने, नमक मिर्च रच गया इसमें करेलों में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से बन गई। बस मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी रेडी हो गई है करेले मसाले वाली रेसिपी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,